तमाम दर्शकों को बता दें, श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच भड़का लोगों का गुस्सा। श्रीलंकाई राष्ट्रपति भवन पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। राष्ट्रपति भवन छोड़कर राष्ट्रपति गोटाबाया वहां से भाग निकले हैं। तो श्रीलंका में खाने पीने का सामान खत्म हो गया, श्रीलंका में पेट्रोल डीजल भी खत्म हो गया और लगातार श्रीलंका में आर्थिक संकट जो है वो बरकरार था और अब लोगों का गुस्सा जो है फूटता हुआ नजर आ रहा है और इसी गुस्से के भेंट श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षा चढ़े हैं और राष्ट्रपति भवन जो है उनमें इस वक्त तस्वीरें जी हिंदुस्तान आपको दिखा रहा है किस तरीके से प्रदर्शनकारी जो है वो घुस गए हैं। ये तस्वीरें श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के राष्ट्रपति भवन के ठीक भीतर से हिंदुस्तान आपको दिखा रहा है किस तरीके से राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति भवन छोड़कर जा चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो अन्य महत्वपूर्ण दफ्तर हैं श्रीलंका सरकार के उनमें भी प्रदर्शनकारियों का कब्जा जो है वो बताया जा रहा है। तो तस्वीरें हम आपको लगातार श्रीलंका से दिखा रहे हैं किस तरीके से श्रीलंका में बीते कुछ महीनों से जो आर्थिक संकट लगातार जारी था, पेट्रोल डीजल के दाम हो या फिर खाने पीने की जरूरी सामान हो का वो उनकी जो दाम है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे थे और सड़कों पर इस वक्त जन सैलाब जो है वो नजर आ रहा है। राष्ट्रपति भवन के अंदर जो है प्रदर्शनकारी घुस चुके हैं और बताया ये जा रहा है कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे जो है वो साफ तौर पर अब राष्ट्रपति भवन छोड़कर आगे भाग चुके हैं। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले श्रीलंका में इमरजेंसी भी लगा दी गई थी, उस वक्त भी लोगों का गुस्सा खूब भड़का था। तमाम जो राजनीतिक दल थे वो भी सड़कों पर आ गए थे, जो पूर्व क्रिकेटर्स थे श्रीलंकाई वो भी सड़कों पर आ गए थे और दुनिया भर से लोगों से समर्थन की अपील कर रहे थे। एक बार फिर से श्रीलंका में अब वही स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। राष्ट्रपति भवन श्रीलंका कोलंबो से इस वक्त आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर अब आम लोगों ने कब्जा कर लिया। आपको बता दें महंगाई आर्थिक स्थिति से इस वक्त श्रीलंका जूझ रहा है, जिसके चलते लोगों के सामने खाने पीने तक की मुश्किलें खड़ी हो गई है। पेट्रोल डीजल खत्म हो गया है, खाने पीने के दाम आसमान में पहुंच गए हैं, जिसके चलते लोग सड़कों पर आ गए और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा है। इस वक्त उन्होंने राष्ट्रपति भवन पर भी कब्जा कर लिया है। हालांकि देखिए यहाँ से पहले ही राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे भाग निकले हैं। इन सबके बीच ये तस्वीरें देखिए अपने आप में दुनिया भर को चिंता में डालने वाली है। श्रीलंका इस वक्त आर्थिक स्थिति बेहाली की ओर जूझ रहा है और ये लोग इस वक्त देखिए सड़कों पर उतर आए। जन सैलाब आपको इस वक्त सड़कों पर नजर आ रहा होगा, लोगों का गुस्सा सरकार और आर्थिक संकट के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल, लगातार बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं जो श्रीलंका से निकलकर सामने आ रही है। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया, इसके साथ ही साथ गाला क्रिकेट स्टेडियम में भी प्रदर्शनकारी जो है वो घुसते हुए नजर आ रहे हैं। इसी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका का मैच भी होना था। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे, जनता जो है लगातार महंगाई की मार झेल झेल कर त्रस्त हो चुकी थी और गुस्सा लगातार सरकार के खिलाफ जनता का बढ़ता हुआ नजर आता था। जैसे प्रिया ने बताया कि बीते दिनों इमरजेंसी भी लगाई गई थी, जो राजपक्षे हैं परिवार उनको लेकर लगातार नाराजगी जो है वो श्रीलंका में कायम थी और इससे कुछ दिन पहले ही श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने भी अपने पद से इस्तीफा दिया था और उसके बाद गोटाबाया राजपक्षे ने जो है राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला और लगातार जो है वो श्रीलंका में चाहे वो ज़रूरी चीज़ें हों जैसे पेट्रोल डीजल हो या फिर आम खाने पीने के सामान हो, उनके दाम जो है वो आसमान छूते हुए नजर आ रहे थे और आखिरकार लोगों का गुस्सा जो है वो अब आज सड़कों पर इस तरीके से निकला कि श्रीलंका के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन छोड़कर भागना पड़ा। आपको बता दें कि श्रीलंका में आर्थिक हालातों से त्रस्त प्रदर्शनकारियों ने आज राजपक्षे के आवास को घेर लिया और इसके साथ ही साथ बड़ी खबर जो आ रही है वो ये है कि राजपक्षे अपने आवास को छोड़कर भाग गए हैं। इसके साथ ही साथ 11 मई को तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय महिंद्रा राजपक्षे पूरे परिवार के साथ पहले ही भाग चुके हैं। तो उग्र भीड़ ने कोलंबो में राजपक्षे के सरकारी जो आवास है उनको घेर लिया है। क्रिकेट स्टेडियम, जो बड़ा महत्वपूर्ण क्रिकेट स्टेडियम है श्रीलंका में, गाले स्टेडियम, उसमें भी भारी संख्या में प्रदर्शनकारी इस वक्त घुस चुके हैं। ऐसी भी तस्वीरें जो है हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रदर्शनकारियों का इस वक्त श्रीलंका की सरकार के खिलाफ विरोध जो है, श्रीलंका के सरकार के खिलाफ नाराजगी जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि कोलंबो स्थित राष्ट्रपति आवास को प्रदर्शनकारियों ने दोपहर से घेरना शुरू किया था। तकरीबन सुबह 10 बजे के आसपास तमाम प्रदर्शनकारी कोलंबो के तमाम प्रमुख सड़कों पर इकट्ठा होते हुए नजर आए और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया तमाम प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन की तरफ आगे बढ़ते गए और आखिरकार प्रदर्शनकारियों के इस गुस्से को देखते हुए श्रीलंका के राष्ट्रपति जो हैं गोटाबाया राजपक्षे, उन्हें अपने आवास को खाली करना पड़ा, वो छोड़कर वहां से गए और तमाम प्रदर्शनकारी इस वक्त श्रीलंका में जनता के विद्रोह की ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। हिंदुस्तान पर खबरें लगातार जारी है, फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए।